Welcome to Online Study at QES. हेलो गाइस, वेलकम टू QES टेक्निकल एकेडमी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट QES। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर लेके आ रहा हूं और आज मैं आपके साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी ALP के CBT 2 का जो एग्जाम है जो कि दो पार्ट में होना है, पार्ट बी जिसमें टेक्निकल है और पार्ट ए जिसमें नॉन टेक्निकल जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आ रहा है, तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लेक्चर में आपके लिए लेके आ रहा हूं। साथ साथ पार्ट बी में टेक्निकल के जो लेक्चर है वो भी हमारे कंटिन्यू आ रहे हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो इससे पहले मैंने आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको मेजरमेंट एंड यूनिट्स भौतिक राशियों का मापन और उनका जो मात्रक है वो क्या होंगे इनके बारे में आपको बताया था। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों की विमाएं, यानी जो भौतिक राशियां जिनका हमने मेजरमेंट कर लिया, मात्रक देख लिया, लेकिन इनकी डायमेंशन यानी विमाओं को कैसे निकालते हैं और विमाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गाइस एग्जाम में। ठीक है, तो इनकी हम कैसे विमाएं निकालेंगे वो आज हम देखेंगे। गाइज, अगर आपने इससे पहले के हमारे लेक्चर चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से इन लेक्चर्स को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले गाइज, अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ इन वीडियोज का उठा सके। ठीक है गाइज, तो आज का टॉपिक जैसा कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों की विमाएं, ये जो वर्ड आपने देखा है विमाएं, ये वर्ड विमाएं होता क्या है, विमाओं की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा पहले आपको पता होनी चाहिए तभी आप इसे आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए विमाएं एक्चुअली होती क्या है, विमाएं वे घाते हैं जिन्हें व्यक्त कर जिसकी वजह से व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या है, वे घाते हैं यानी पावर्स हैं जिनको मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि हम व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त कर सके, या आप इंग्लिश में बोलें तो यह कह सकते हैं दीज आर द पावर्स यूज टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड क्वांटिटीज ओवर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी फंडामेंटल यानी मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है, किस लिए, ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, ये क्या, तो बेसिकली होती क्या है, पावर्स यानी घाते होती है, इतना क्लियर है, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब बात आती है कि जब हम विमाओं को व्यक्त करते हैं, विमाओं को लिखते हैं, डायमेंशंस को फाइंड करते हैं, तो जैसे मैंने बताया अभी डेफिनेशन में कि मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है, तो जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं उनको, वैसे आपने फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके मेजरमेंट जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर डायमेंशन फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल डायमेंशंस को यूज किया जाता है, 3 ही मूल राशियों को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वो 3 राशि है, सबसे पहला है मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, मास यानी द्रव्यमान। दूसरा है लेंथ, क्या है, लेंथ लंबाई या दूरी, लंबाई कह सकते हो या दूरी कह सकते हो। ठीक है, और तीसरा है टाइम यानी समय। तो बेसिकली 3 मूल मात्रकों को ही यूज किया जाता है व्युत्पन्न मात्रकों को दिखाने के लिए, डायमेंशन दिखाने के लिए, मास लेंथ और टाइम, द्रव्यमान लंबाई और समय, इन्हीं 3 पर पावर चढ़ा के सारे व्युत्पन्न मात्रकों को हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मास की तो डायमेंशन के टर्म में, विमाओं के टर्म में मास की जो विमा होती है वो होती है एम, इसे एम से दिखाया जाता है, यानी आपसे सिंपली मास की विमा पूछी जाए तो मास की विमा क्या हो जाएगी, एम। ठीक है, ऐसे ही लेंथ, लेंथ की विमा होती है एल, यानी लेंथ की डायमेंशन एल, और टाइम की टी। ठीक है, तो एम एल टी ये 3 बेसिक डायमेंशंस हैं जिनकी हेल्प से हम सारी ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब गाइस बात ये आती है कि हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें कैसे निकालेंगे किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की जो डायमेंशन है, जो विमा है वो क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप डायमेंशन या विमा फाइंड करने जा रहे हैं तो उसको निकालने के लिए आपको जिस भी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है उस क्वांटिटी का, उस राशि का आपको फॉर्मूला या उसका मात्रक पता होना चाहिए।
ठीक है, या तो फॉर्मूला बताओ या मात्रक बताओ। फॉर्मूला याद होगा वहां से भी निकल जाएगी, मात्रक याद होगा वहां से भी निकल जाएगी। इन दोनों चीज में से कोई भी चीज अगर आपको याद है तो आपकी डायमेंशन सिंपली बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो जितनी भी बेसिक्स जो मैं बहुत सारी आपको आज ड्राइव क्वांटिटी बताऊंगा उनकी डायमेंशन फाइंड करके दिखाऊंगा, और आप थोड़ी बहुत आप देखते रहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला बस देख लीजिए, डायमेंशन फाइंड करने का तरीका भी अभी आपको मैं बता रहा हूं, तो बड़े इजीली बहुत आसानी से आपके सारी डायमेंशन निकल जाएंगी और इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है गाइस। तो देखिए जैसे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं कि किसी जैसे बेसिक तो मुझे पता चल गया तीन होती है एमएलटी, ठीक है, इसकी सहायता से अब किसी को मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो किसी को कैसे निकालूंगा, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी हिंदी में बोले तो वेग, ठीक है वेग। अब जैसा कि मैंने बताया तो आपको उसको मात्रक पता होना चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए गाइस कैसे फाइंड करेंगे, बेमा देखना बहुत आसान तरीका है। दूर जैसे मैंने फॉर्मूला लिख लिया दूरी बटे समय, दूरी दूरी क्या है लंबाई या डिस्टेंस एक ही बात है, और लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है, डिवाइडेड बाय समय, समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो एल ओवर टी, क्या है एल ओवर टी। तो देखिए एल टी जब ऊपर आएगी तो देखो एल पर भी समय वन की पावर है एक घात है और टी पर भी एक घात है, ठीक है। तो L जब ऊपर आएगा तो जब ऊपर आते हैं तो घाते माइनस की हो जाती है पावर्स, तो T पे माइनस वन हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन, क्लियर है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई एल टी माइनस वन। दूसरी तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं, अब जैसे मैंने बताया तीन टर्म है, तीन बेसिक है एम एल टी, इनके तरह टर्म में दिखाना है, तो M तो इसमें आया ही नहीं, तो M की क्या चला देंगे हम M की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो चढ़ाते हैं वैल्यू वन हो जाती है, ठीक है। तो अगर वैल्यू वन हो जाएगी तो यही का यही बचा रहेगा, ठीक है, L की पावर वन T की पावर माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। तो जनरली इस फॉर्म में भी लिखा होता है ये, और डायरेक्टली सिर्फ ये भी कह सकता है कि वेग की विमा क्या होगी, तो विमा क्या हो जाएगी देखो जीरो वन माइनस वन, क्या हो जाएगी जीरो वन माइनस वन, या एम एम की पावर जीरो एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन, ये भी लिखा होगा तब भी सही है, ठीक है, एल टी माइनस वन लिखा होगा तब भी सही है, क्लियर है। तो बीमा कैसे फाइंड की हमने, यानी हमें फॉर्मूला पता था वहां से हमने इसकी बीमा फाइंड कर ली, यानी फॉर्मूला पता हो या आपको जो है इसका मात्रक बताओ दोनों से ही निकल जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट भौतिक राशियां हैं जिन्हें पूछे जाने की संभावना बनती है हमारे एग्जाम में, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी वेग अपॉन समय, हिंदी में वेग अपॉन समय, ठीक है, फाइंड कर लीजिए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी की विमा आप निकाल चुके हो, क्या है एल टी की पावर माइनस वन, ठीक है, यही निकालिए, अपॉन टाइम, टाइम क्या है टी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, तो टाइम का मैंने बताया डायमेंशन क्या होती है टी, ठीक है, तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, टी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस वन पहले से, तो माइनस वन और माइनस वन गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो एल टी की पावर माइनस टू, क्या हो जाएगा एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है। दूसरी तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, देखिए एम या नहीं है तो एम की पावर जीरो चढ़ा दो, एम की पावर जीरो एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू, तो एम की पावर जीरो एल की पावर वन और टी की पावर माइनस टू, इसकी डायमेंशन निकल के आ गई, सिर्फ डायमेंशन पूछी जाए तो जीरो वन माइनस टू, जीरो वन माइनस टू, तो ये लिखाओ ये लिखाओ जीरो वन माइनस टू लिखाओ, ये तीनों ही आंसर आपके सही है, ठीक है। अब देखिए अब आगे बात करते हैं, तीसरी क्वांटिटी देखते हैं हम, तीसरी क्वांटिटी है आपकी मोमेंटम, क्या है गाइस मोमेंटम, एम ओ एम ई एन टी ओ एम मोमेंटम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आवेग, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान इंटू वेग, फॉर्मूला हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए
मास द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इनटू वेग, वेग की आपने निकाली है एल टी माइनस वन, वेग की आपने क्या निकाली है एल टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगी इसकी एम एल टी माइनस वन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो एम की पावर वन, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन, क्लियर है। तो ये आपके मोमेंटम, क्योंकि अब समझ में आ रहा है, यानी फॉर्मूला याद है हमारी, सीधी सीधी डायमेंशन आपकी फाइंड होते हुए चली जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वांटिटी देखते हैं, अगली क्वांटिटी है आपकी फोर्स, क्या है फोर्स यानी बल। ये गाइस गौर से देख लेना, फोर्स की जो डायमेंशन है इसको आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आगे बहुत सारी डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स की डायमेंशन का आपका यूज होगा, ठीक है। तो देखिए फोर्स क्या होता है, एफ इंटू ए, सॉरी एम इंटू ए, फोर्स होता है एम इंटू ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा है, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, ये आपका क्या हो गया फोर्स हो गया। द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, त्वरण, त्वरण की इससे पहले आप निकाल चुके हो, एक्सीलरेशन की कितनी निकाली थी एल टी की पावर माइनस टू, ये निकाली थी एल टी की पावर माइनस टू, तो कंबाइंड करके लिख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है, या इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं एम की पावर वन, एल की पावर वन या टी की पावर माइनस टू, ये दोनों ही सही है, और सिर्फ बीमा पूछी जाए तो फोर्स की वन वन माइनस टू, वन वन माइनस टू, सीक्वेंस यही रहता है एम एल और टी, ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम व्यक्त करते हैं। अगर आपको कहीं जैसे डायमेंशन लिख के दी है वन वन और टू, तो ये क्या है एम है, ये एल है और ये टी है, ये याद रखना, ठीक है, एम एल टी, यानी पहला एम होता है, दूसरा एल और तीसरा टी, इसी सीक्वेंस में सारी विमाओं को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आगे आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए प्रेशर, जितने कॉमन राशियां हैं इन सबकी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, दाब, ठीक है, क्या बोलते हैं दाब, दाब क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की आपने ऊपर निकाली हुई है तो एज इट इज लिख लो एम एल टी की पावर माइनस टू। एरिया, एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई भी डिस्टेंस है और चौड़ाई भी डिस्टेंस है, तो एल इंटू एल, क्लियर है। आगे देखिए एम एल टी की पावर माइनस टू अपॉन एल इंटू एल एल स्क्वायर, ठीक है, आगे देखिए एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखिए एम एल टी की पावर माइनस टू इंटू एल की पावर माइनस टू, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, देखो यहां एल की पावर वन है या माइनस टू है, तो माइनस का वन बचेगा, तो आपके प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू, क्लियर है। तो ये आपकी प्रेशर की हो गई। ऐसे ही कुछ राशियां और हम देख लेते हैं, चलिए, जो हमारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। आप क्लियरली देखते जाइए, सिर्फ मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या उसका मात्रक पता होना चाहिए, दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए वर्क यानी कार्य, फॉर्मूला देखो, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। बल्कि आपने फाइंड की हुई है, क्या फाइंड की है एम एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है, ये आपने फाइंड की है एम एल टी की पावर माइनस टू। विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, जब विस्थापन होगा तो कुछ दूरी तय होगी और दूरी का क्या होता है एल, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा एम एल पे यहां एक वन यहां, तो एम एल टू टी माइनस, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू, या आप इसको लिख सकते हो एम की पावर वन, यहां वन ही है, ठीक है,
एल की पावर 2 और टी की पावर माइनस 2। तो ये ऐसे भी लिखाओ तब भी सही है, ये भी सही है, और सिर्फ डायमेंशन पूछी हो तो 1, 2, माइनस 2, 1, 2, माइनस 2, ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्क की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ डायमेंशन और देखते हैं। देखिए जैसे कि एनर्जी यानी ऊर्जा, एनर्जी की निकालना है तो देखिए एनर्जी की जो डायमेंशन है आपकी, एनर्जी क्या है, जो कार्य हो रहा है हमारा, जो हमारा कार्य हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एनर्जी, हम कार्य कोई काम कर रहे हैं किसकी वजह से, हम खाना खाते हैं एनर्जी प्राप्त करते हैं, उस एनर्जी की वजह से कार्य करते हैं, तो एनर्जी इक्वल होती है कार्य के, किसके, क्योंकि एनर्जी की वजह से ही कार्य होता है, तो एनर्जी इक्वल होती है कार्य के। और वैसे अगर हम मात्रक की बात करें, तो फॉर्मूला वाली बात करते हैं, मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है और एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है, दोनों का मात्रक जूल है, तो जब मात्रक सेम है तो डायमेंशन भी सेम हो जाएगी, और एनर्जी की मात्रक जो यानी हमारे कार्य की मात्रक है यानी एम एल टू टी माइनस, क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, अब एनर्जी में चाहे देखो आपको काइनेटिक एनर्जी कहे, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी है दोनों, तो सबकी जो डायमेंशन है यही रहेगी, चाहे वो एनर्जी की डायमेंशन है वही, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन वही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी डायमेंशन में आज आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। अगला है देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या होता है, एम इंटू डी स्क्वायर, यानी मास, बॉडी का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, डी क्या है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, जहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस से निकालना है उस एक्सिस से उस बॉडी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी होती है और एम उस बॉडी का मास होता है, तो एम इनटू डी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, एम क्या है मास एम, ठीक है, डी, डी क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है एल, और दो स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी आ गई एम एल स्क्वायर, क्या आ गई एम एल स्क्वायर। अब देखिए इसमें टी नहीं है तो हम लिख सकते हैं एम एल टू टी की पावर जीरो, ठीक है, या एम की पावर वन एल की पावर टू और टी की पावर जीरो, क्योंकि टी की पावर जीरो चढ़ाएंगे वो वन हो जाएगा, यही वैल्यू वापस आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगी 1, 2, 0, यानी एम एल टू टी जीरो, एम की पावर वन एल की पावर टू और टी की पावर जीरो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पृष्ठ तनाव क्या होता है, फ्लूड में लगता है गाइस ये, और फ्लूड में पर यूनिट लेंथ जितना टेंसाइल फोर्स लगता है उसी को हम सरफेस टेंशन में पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी बल वटे दूरी या बल वटे लंबाई। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं बल, बल अपॉन लंबाई। ठीक है, बल की डायमेंशन आपने गाइस फाइंड की हुई है, क्या है एम एल टी माइनस टू, क्या फाइंड की है एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ एल, एल ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एल ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या एल से एल आप कैंसिल कर सकते हो, क्या बचा एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। अब इसमें एल नहीं है, जिसकी जो वैल्यू नहीं होती है उसकी पावर जीरो चढ़ा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा एम की पावर वन है यहां पर, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस टू। क्लियर, एम की पावर वन एल की पावर जीरो और टी की पावर माइनस टू, ये आपकी हो गई पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डायमेंशंस और देख लेते हैं, जितनी मोस्ट कॉमन डायमेंशंस हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप लगाएंगे तो आपके कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको फॉर्मूला याद करना है, कुछ कुछ एक बचेंगे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो, जैसा कि मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव भी लेके आता हूं मैं बाद में, तो जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा कुछ एक बचेंगे वो ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा, वैल्यू आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, कोई डायमेंशन नहीं बचेगी, जिससे कि आपका डायमेंशन का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस आगे फाइंड करते हैं, स्ट्रेस हिंदी में से बोलेंगे प्रतिबल। ठीक है, क्या बोलेंगे प्रतिबल। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है,
प्रेशर भी आपका फोर्स पर यूनिट एरिया था, ठीक है, तो सेम डायमेंशन इसकी निकल के आएगी, यानी फोर्स की यूनिट आपने क्या निकाली है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यानी जो प्रेशर की थी वही सेम इसकी ये होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी डायमेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क गाइस जो जब कोई शाफ्ट रोटरी मोशन करती है, रोटेटिंग पाथ पर कोई चीज घूम रही है, तो उस पर जो इफेक्ट होता है, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यानी बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यानी जो है लंबवत दूरी, बल इनटू लंबवत दूरी, ये आपका क्या जो इफेक्ट दिखेगा ये क्या होगा, आपका टॉर्क होगा, ठीक है। तो फोर्स की आपने डायमेंशन गाइस फाइंड की हुई है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, क्या फाइंड की है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की एल होती है लंबाई, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो एल की पावर वन यहां पर, वन यहां पर, टू हो जाएगी, दैट मीन्स एम, एम की पावर यहां पर वन है, एल की पावर टू और टी की पावर माइनस, ये आपकी टॉर्क की निकल के आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डायमेंशंस और देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगली है डेंसिटी, अगली क्वांटिटी हमारी डेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व, क्या बोलते हैं, घनत्व, क्या होता है, मास, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, एक यूनिट आयतन में जितना द्रव्यमान होगा किसी भी फ्लूड का उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी, तो द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान की बेसिक मूल राशि है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो लंबाई भी एल है, लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है और ऊंचाई, तीनों डिस्टेंस है, तीनों एल इंटू एल इंटू एल, क्लियर है, एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एम अपॉन एल क्यूब हो गया ये, और ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एम एल की पावर माइनस थ्री, क्या हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस थ्री, अब इसमें टी नहीं है तो टी हम अपनी तरफ से जीरो लगा के लिख देंगे, तो एम की पावर वन है यहां पर, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर जीरो, क्लियर है। तो ये आपके डेंसिटी की निकल के आ गई। चलिए कुछ और देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए स्ट्रेन किसके देखते हैं, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, परसेंटेज इलोंगेशन, किसी भी अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये खिंच जाएगी आगे, लंबी हो जाएगी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण, जैसे लंबी होगी तो कितनी परसेंट लंबी हुई, ठीक है, तो कितनी परसेंट लंबी हुई उसको हम निकालते हैं डेल्टा एल, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ कितनी बड़ी है, ठीक है, मान लो दो सेंटीमीटर बड़ी, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान सकते हो आप, दो सेंटीमीटर बड़ी तो वो होगी आपकी चेंज इन लेंथ, अपॉन एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, पहले से इसकी लेंथ कितनी थी, मान लो पहले ये 10 सेंटीमीटर की थी, दो सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, दो सेंटीमीटर, तो दो चेंज इन लेंथ हो गया, एल ओरिजिनल लेंथ हो गया, ठीक है, तो ऊपर भी एल है, लेंथ है, तो लेंथ की एल, नीचे भी लेंथ है, लेंथ की एल, एल से एल कैंसिल, कुछ नहीं बचा, यानी कोई वैल्यू नहीं आई आपकी, कैंसिल हो गई। तो जब डायमेंशन कैंसिल हो जाती है तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, विमा रहित राशि, विमा रहित राशि, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। देखो इसमें अगर देखेंगे तो m की पावर भी जीरो आएगा, अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो m की पावर जीरो, l की पावर जीरो, t की पावर जीरो, तीनों की पावर जीरो है, ना m है, ना l है, t है, जब तीनों की पावर जीरो हो जाती है तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपकी हो जाती है। तो स्ट्रेन क्या है, आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, देखिए अगली क्वांटिटी आपकी, जैसे बहुत सारी मोस्ट कॉमन क्वांटिटी, जैसे एरिया, अब तो आप फाइंड कर सकते हैं, यानी क्षेत्रफल, ये तो बहुत आसान सी है लेकिन पूछा कुछ भी जाया, कुछ भी जा सकता है। तो क्षेत्रफल, एरिया, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो एल इंटू एल,
तो क्या हो जाएगी एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें m और t नहीं है तो हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। ये आपकी एरिया की यानी क्षेत्रफल की होगी। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे कुछ और डायमेंशंस देखते हैं। आगे है इंपल्स, इंपल्स यानी संवेग। ठीक है, इंपल्स क्या होता है गाइस, फॉर्मूला जैसे कि आपको पता होना चाहिए, फोर्स इनटू टाइम, बल गुणा समय। ठीक है, क्या है फोर्स इनटू टाइम, तो देखिए बल की आप फाइंड कर चुके हो पहले से, क्या है MLT-2, फोर्स की आपने फाइंड की है MLT-2, ये आप पहले फाइंड करके दिखाइए, और समय यानी टी, तो देखिए एम एल टी की पावर यहां पर माइनस टू है, यहां पर वन है, तो क्या माइनस टू और प्लस का वन क्या बचेगा, माइनस का वन, तो डायमेंशन हो गई आपकी एम एल टी माइनस वन, क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस वन, या आप इसको लिख सकते हो एम की पावर वन, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन, ये आपकी इंपल्स की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे और कुछ देख लेते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट है सब मैं बता दूंगा आपको आज, कुछ आप प्रैक्टिस करना, कुछ मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, आपके डायमेंशन का कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं बचेगा, आप सोल्व करके ही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है पावर यानी शक्ति। पावर फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर क्या है वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, बल बटे कार्य बटे समय, यानी कार्य बटे समय। ठीक है, कार की गाइस आप फाइंड कर चुके हो ML2T-2, कार की डायमेंशन आपने ऊपर फाइल की है ML2T-2 अपॉन टाइम यानी टी। ठीक है, अपॉन टाइम यानी टी, तो देखिए ML2T-2 टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस की पावर हो जाएगी माइनस वन, माइनस टू यहां पर है माइनस वन यहां पर है टी पर, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगी एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री, या एम की पावर वन एल की पावर टू और टी की पावर माइनस थ्री, ये आपके पावर की हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे एक और है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम, यह हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में क्या स्पीड है और सेकंड मीडियम में क्या स्पीड है, तो है तो स्पीड ही, इसको v1 मान लो फर्स्ट मीडियम में, सेकंड को v2 मान लो, है तो दोनों स्पीड ही, तो स्पीड की डायमेंशन सेम होती है, तो डायमेंशन से डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, यानी n ना m बचा ना l बचा ना t बचा, तो सबकी पावर जीरो चढ़ा दो, m की पावर जीरो, l की पावर जीरो और t की पावर जीरो। तो जब गाइस मैंने बोला था कि तीनों की पावर जीरो हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या है ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, विमा रहित राशि है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे है सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी को गाय दमिंदी में बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व। ठीक है, देखिए जैसे मैंने डेंसिटी बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, अब यहां सरफेस है, सरफेस तो टू डायमेंशनल होता है, तो मास तो वॉल्यूम तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तीन डायमेंशन की जरूरत होती है, तो सरफेस का क्या निकाल सकते हैं हम, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, दो ही डायमेंशन होती है, तो ये होता है मास, इसका फॉर्मूला हो गया मास अपॉन क्षेत्रफल यानी एरिया, मास अपॉन एरिया, द्रव्यमान अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया सरफेस डेंसिटी का, निकाल लो द्रव्यमान m, ठीक है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है l स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों दूरी है, तो l इंटू l l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये m, l ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा m l की पावर माइनस टू, अब यहां t नहीं है तो t आप जीरो कर दीजिए, तो m की पावर वन, l की पावर माइनस टू और t की पावर जीरो। ठीक है, ये आपके किसकी हो जाएगी, सरफेस डेंसिटी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम, आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाएगा डायनामिक विस्कोसिटी,
डायनामिक विस्कोसिटी यानी गति की स्यानता। विस्कोसिटी क्या होती है गाइस हिंदी में? स्यानता। तो देखिए इसका इसको निकालने के लिए एक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है टाउ यानी शियर स्ट्रेस। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस है। टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, म्यू क्या है यहां पर? यह हमारी विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी है। ठीक है, म्यू क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी है। डी यू यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो रहेगी वेलोसिटी। और ये डी वाई क्या है? डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ही रहेगी। हमें किसकी निकालनी है? म्यू की निकालनी है। तो म्यू को इधर ही रखो, म्यू इक्वल्स टू यहां क्या है? टाउ। अब देखिए डी वाई इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर इधर डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और डी यू इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए म्यू इक्वल्स टू टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। डी वाई क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की एल होती है, तो एल लिख लो। ठीक है, और नीचे क्या है? डी यू यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी की आपने फाइंड की हुई है एल टी माइनस वन। क्या फाइंड की है? एल टी माइनस वन रख दो। देखो फोर्स की भी आपने फाइंड की हुई है, फोर्स की क्या है? एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस टू। क्या फाइंड किया आपने? एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल इंटू एल, एल स्क्वायर। क्लियर है? इंटू एल अपॉन, देखिए या एक काम करिए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस, टी की पावर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देखिए ये ऊपर आएगा, एल की एल स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू इंटू एल की पावर माइनस टू। ये ऊपर आके माइनस का हो गया और टी की पावर वन यहां पहले से है। ठीक है, तो देखिए एम एल की पावर वन और माइनस टू, तो माइनस वन बचेगा, तो एल की पावर माइनस वन। अब देखिए यहां टी की पावर माइनस टू और प्लस का वन, तो टी की पावर माइनस का वन बचेगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये हम लिख सकते हैं एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो होगी एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन। तो सिर्फ डायमेंशन पूछे तो वन माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही गाइस एक और पूछा, जैसे डायनामिक विस्कोसिटी है ऐसे ही इसमें एक और पूछा जाता है। देखिए वो पूछा जाता है काइनामेटिक विस्कोसिटी। क्या पूछा जाता है? काइनामेटिक विस्कोसिटी, शुद्ध गति की, शुद्ध गति की स्यानता। ठीक है, तो देखिए काइनामेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी यानी डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन आपने फाइंड की हुई है क्या है? ये आपकी लिखी हुई है एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन अपॉन घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन भी गाइस आपने फाइंड की हुई है, क्या होती है डेंसिटी की डायमेंशन? एम एल की पावर माइनस थ्री। क्या होती है? एम एल की पावर माइनस थ्री। ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशन आपने फाइंड की हुई है, यहां पर सीधे सीधे सॉल्व कर लो। देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा? एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, L की पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा L3। तो देखिए L पे माइनस वन और प्लस का थ्री, तो प्लस का टू बचेगा, तो L की पावर टू T की पावर माइनस वन। या हम इसको लिख सकते हैं M का टर्म इसमें नहीं है, तो जो टर्म नहीं होता उसे जीरो कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? M की पावर जीरो, L की पावर टू और T की पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी काइनामेटिक विस्कोसिटी की। ठीक है, चलिए कुछ एक दो और देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए अगर हम वेट की देखें तो वेट क्या होता है? भार यानी द्रव्यमान इनटू ग्रेविटी, त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू जी यानी जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, तो देखिए इसकी एम है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और त्वरण की आप फाइंड कर चुके हो क्या होती है? एल टी माइनस टू। त्वरण चाहे वो ग्रेविटी की वजह से चाहे किसी वजह से, त्वरण की डायमेंशन आपकी सेम ही रहेगी। तो टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? एम एल टी माइनस
2, यानी m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 2। ठीक है गाइज, एक और देखते हैं। ये तो स्मॉल g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक कैपिटल g होता है गाइज, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है कि स्पेस में जब कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो प्लेनेट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, वो आकर्षण बल कितना होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का मास है, एम टू क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, और आर क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, यानी दूरी कितनी है। हमें किसका निकालना है, जी का निकालना है। ठीक है, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन एम वन एम टू। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन गाइज आप निकाल चुके हो, एम एल टी माइनस टू होती है। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, आर क्या है, डिस्टेंस, अभी मैंने बताया था दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है, एल स्क्वायर चढ़ाए तो एल का स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ये भी मास है तो मास का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, आगे फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू। देखिए आगे देखें तो देखिए m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, एक m से एक m बचा तो वो ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m की पावर माइनस वन। ठीक है, देखिए l पर यहां वन है, यहां टू है, तो l की पावर थ्री, और यहां क्या बचा, t की पावर माइनस टू। तो m की पावर माइनस वन, l की पावर थ्री और t की पावर माइनस टू, ये आपके कैपिटल G के हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी थी जिनकी डायमेंशन पूछे जाने की संभावना है, वो सारी मैंने आपको बता दी। ठीक है गाइस, अब कुछ मैं अगले लेक्चर में जब मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा तब मैं आपको कुछ बचेंगे वो बता दूंगा। तो इस तरह से आपकी सारी डायमेंशन क्लियर हो जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी, जिससे कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।